समाज पर क्या असर पड़ सकता है कोई सोचते ही नहीं। इनको तो अखबार बेचने से मतलब है और नहीं तो क्या। हाय ब्यूटीफुल, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर। मैं बताऊं कि तुम क्या सोच रही हो? प्लीज लीव मी अलोन सर। लो, मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात कर रहा हूं और तुम कहती हो कि लीव मी अलोन। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? बॉस या जानना चाहते हैं आप मेरे लिए क्या लगते हैं? जानना चाहते हैं? अरे अपूर्व, मैं बताती हूं आपको आप मेरे लिए क्या है। आप मेरे लिए सड़क पर घूमने वाला, जिसकी आंखों में भूख है और जिसकी 24 घंटे लार टपकती है, ऐसा कुत्ता है। आपकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि आसपास नौकरी करने वाली हर औरत आपको भोगदासी लगती है। आपकी माँ बहन या जवान होती जा रही बेटी जब बाहर जाती है तो उन्हें भी आप जैसे मर्दों की आंखों में यही भावना दिखाई देती है, पर जब वो घर वापस लौट कर आती है तो माया ममता के बदले जब आपकी आंखों में भी वही घिनौना भाव देखती है तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी सोचिए। इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे लार टपकाने वाले मर्दों को कुत्तों की गाड़ी में डालकर नपुंसक बना देना चाहिए। यही सोच रही थी मैं। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही था। हम प्रेस वालों को हमारी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। एक्चुअली हम दोनों ने, प्रेस और पुलिस ने, मिलकर उन लोगों के खिलाफ काम करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का ध्येय तो एक ही है, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करना। राइट? हेलो। हाँ मैं। ये कोई आदमी है, इससे बात करती रहना। हेलो। आखिर में तुमने मुझे पहले पन्ने पे लाया। रियली आई एम ऑनर्ड। हारिम खान कहाँ से बोल रहा है? थैंक यू, मैंने तो आपका काम कर दिया। आप मेरे लिए काम करेंगे? जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट टेल मी। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ क्योंकि आप एक फैंटास्टिक एक्टर हैं और इतने डेयरिंग भी हैं। आप मुझसे मिलते क्यों नहीं? तुम्हें ही मिलना है और किससे मिलना है। सुनो, लो फ्रंट पेज पढ़ो। लेकिन आज इतनी तारीफ क्यों, किस लिए? आपकी आवाज में पता नहीं क्यों एक अपनापन लगता है। ऐसा लगता है पहले कहीं मिल चुके हैं। हेलो, हेलो। हाँ, वरना आप मुझे क्यों फोन करते? और किसे करूं, तुम्हारे सिवा है कौन मेरा और दूसरा? तुमसे बात करता हूं तो लगता है अपने अतीत से बात कर रहा हूं, दिल से बोझ उतर जाता है, लगता है भगवान के सामने सारे गुनाह कबूल कर दिए। इसका मतलब मैं आपके लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कुछ और भी हूँ, राइट? बताइए ना, कौन हूँ मैं आपके लिए? प्लीज बताइए ना, कौन लगती हूँ मैं? क्या हूँ आपके लिए? बताओ। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत। हेलो, हेलो, निहाल। क्या हुआ? मुझे लगता है मल्हार है। What rubbish? वो तो मर चुका है। हाँ, मगर तुम जानते हो उसने मुझे क्या कहा? क्या? कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? ये वही कविता है जो मल्हार के लिखे नाटक में थी। हाँ, क्या वो तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम, I know this is मल्हार। मगर एक दूसरा स्टूडेंट भी तो हो सकता है जिसने नाटक देखा हो सकता है, मगर जब भी शख्स मुझसे बात करता है तो टेलीफोन पर एक डिस्टर्बेंस आता है, जैसे जैसे कोई कुछ बजा रहा हो। यू नो, मल्हार को आदत थी, उसकी उंगली हमेशा यूं चलती रहती थी, यूं ऐसे। अपूर्वा, अगर तो ये मल्हार है तो इसको पकड़ने का एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? तुम्हें एक स्टेज शो करना पड़ेगा। स्टेज शो? क्यों? देखो, मल्हार की दो कमजोरियां हैं, एक तुम और एक रंगमंच। अगर हम तुम्हारे एकाध कल्चरल प्रोग्राम का ऐलान करवा दें तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा शो देखने जरूर आएगा। मगर रंगमंच पर शो करने के लिए मेरे पास कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए।
ताकि उसे शक न हो। अरे मेरी माँ हमारी मदद करेगी ना। वो कैसे? अपूर्वा चौधरी पेश करती है विकलांग बच्चों के मुक्तांगण अनाथालय की मदद के लिए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। हेलो। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते। अपूर्वा चौधरी के शो का इनविटेशन मिला, थैंक यू, जरूर आऊंगा। कौन बोल रहा है? जिसने आपका मुकुट चोरी किया था वही। यू स्काउंडरल, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। आई एम गोइंग टू नेल यू, यू ब्लडी बास्टर्ड। मैनू तमकी शेर जंग नु तमकी करावांगा, पहले गोली मारांगा फिर गल करांगा। शट अप। मेरा रास्ता उड़िकना गल कर रहा है। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम अमीना है। बैठ जाओ अमीना बहन। ये इनायत है, मेरी मौसी का लड़का। शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। नमस्ते कर रहा है। अरे अजीत बॉल देना, ये बॉल ले और उधर जाकर खेल। जाओ। हाँ जाओ। हाँ, पकड़ के जाओ। शाबाश। उठो। जा जा। उठो। ओ संभल के, संभल के। मैं अग्रीपड़ा के जमुनाबाई बिल्डिंग में रहती थी अपने माँ बाप और बड़े भाई के साथ। उसी बिल्डिंग में मेरी मौसी भी रहती थी। 2 साल पहले जो दंगा फसाद हुआ था उसमें मेरी बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी। उस आग में इसकी माँ और मेरे सारे घर वाले जलकर मर गए। अब इसको लेकर मैं कहाँ जाऊँ? तो बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, इसे यही रहने दे और तू भी जब तक चाहे यही रह ले। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। हाँ और किसे करूं, तुम्हारे सिवा है कौन मेरा और दूसरा। तुमसे बात करता हूं तो लगता है अपने अतीत से बात कर रहा हूं, दिल से बोझ उतर जाता है, लगता है भगवान के सामने सारे गुनाह कबूल कर दिए। इसका मतलब मैं आपके लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कुछ और चाबी। राइट? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत। इस आवाज की व्यक्ति को आपने कहीं सुना हो या देखा हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दें और मुजरिम को गिरफ्तार करवाने में पुलिस की सहायता करें। धन्यवाद। चल लाइसेंस दिखा। अरे जाने दो ना साहब। कैसे बताऊं मैं तुझे मेरे लिए तो कौन है? चल लाइसेंस निकाल। तुम्हें कैसे यकीन है कि मल्हार आएगा ही? मैं कैसे आएगा, हमने पता किया है, 1 साल पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मल्हार ही है। अगर ये मल्हार ही है तो इसका पता कैसे चलेगा? वो खुद बताएगा माँ, और मुझे मालूम है उसे बाहर कैसे लाना। एक मिनट, इसको ऐसे लगाने का। देखो, 1 2। ये ऐसे लगाने का है ना, वेरी गुड। थैंक यू। दूसरा लगाने का। ये प्लान है, तुम बच्चों को लेके ना इस जगह से एंटर करोगे, बाकी सब लोगों को हम इस कॉरिडोर के जरिए अंदर भेजेंगे, लेकिन ये जो कॉरिडोर है ना ये सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए होगा, जिसकी निगरानी रहीम भाई खुद करेंगे। मतलब थिएटर में किसी भी किस्म की भगदड़ हुई ना तुम इसी कॉरिडोर के जरिए बच्चों को लेके बाहर आ जाना, ताकि वो भीड़ में फंसे ना। तू समझ रही है ना, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ डोंट वरी, खेलो। अरे नहीं, अरे बाबा क्या करो, ये इंस्पेक्टर हूँ बाबा, ये गन, अरे बाबा ये असली है बाबा। नहीं छोड़ दो प्लीज, क्या कर रहे हैं? अरे
अरे बाबा ये गन गन ये बिल्कुल असली है बाबा, ये पटाखे वाला नहीं है। हैप्पी दिवाली। देखो देखो देखो, चलो छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो, देखो ऐसे नहीं करते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। That's like a good boy. अब तुम खेलो। कहीं ना कहीं मैं और मल्हार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नफरत भी तो एक रिश्ता होता है माँ, हम उसी धागे से बंधे हैं। वो आएगा, जरूर आएगा।